गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग सेवेंथ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 को अरूप पढ़ेंगे। को अरूप का मतलब आप लोग जानते हो, को अरूप इसमें तो पहले संधि विच्छेद है। क्या है इसमें संधि विच्छेद? क प्लस अरूप, क प्लस अरूप। तो हु इज हेल्दी, यहाँ पे इसका मीनिंग है हु इज हेल्दी, कौन यहाँ इस संसार में हेल्दी है, स्वस्थ है। तो नो एनीबॉडी इज नॉट हियर फुली हेल्दी, कोई अच्छी तरह से कंप्लीटली हेल्दी कोई भी व्यक्ति नहीं है। किसी को कोई बीमारी घेरी हुई है, किसी को कोई, किसी का सर दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है। तो इस तरह से नो एनीबॉडी, नो एनी वन इज कम्प्लीटली हेल्दी हियर। अंडरस्टूड? तो दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग नाउ। एक चिड़िया है, वो घूमती रहती है और सबसे पूछती रहती है कि हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है। पर सबको मालूम है कि कोई हेल्दी नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ बीमारी घेरे पे है। तो सब बोलते हैं, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता है। तो पक्षी निराश हो जाती है, द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड। एंड वन डे ही सैट ऑन द ट्री, देन ही सॉ अ ऋषि सिटिंग अंडर द ट्री, देन ही स्पीक्स फ्रॉम द ट्री एंड लाउडली सी चर्प दैट को अरुक को अरुक। देन द हर वॉइस हर्ड दैट ऋषि, ऋषि हर्ड हर वॉइस एंड ही गेव आंसर हित बुक रित बुक एंड मित बुक। तो वन हु इज हु ईट्स अकॉर्डिंग टू सीजन एंड वन हु ईट्स अकॉर्डिंग टू द मतलब नॉट सो मेनी फूड प्रॉपर क्वांटिटी इन प्रॉपर क्वांटिटी। एंड थर्ड वन इज कि हु ईट्स द प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट। तो इस तरह से तीन तरह के हुए, जो ऐसे भोजन करते हैं दे बिकम सो हैप्पी एंड हेल्दी, वही व्यक्ति हेल्दी होता है। देन द वर्ड ऑफ दैट ऋषि हर्ड दैट चैटरिंग द बर्ड एंड ही केम नियर द ऋषि एंड ही गोज टू दैट ऋषि बिकॉज सी फाइंड हर आंसर विच ही वॉन्ट। देन आफ्टर गोइंग दैट ऋषि ही फ्लाई अवे, ही गो टू हर ओन हाउस। अंडरस्टूड? तो यही है इसका स्टोरी, और आगे मैं कुछ इसके शब्द आप लोगों को लिखवाती हूँ।
फिर इतना लिखो, फिर आता है तीन वर्ड, हित बुक, रित बुक, अनमित बुक, उसके आंसर बीच में भी लिखे हुए हैं, ऐसे मैं लिखवा भी देती हूँ। इतना पहले लिख लीजिए आप लोग। Duster is not here. अब तीन वर्ड आते हैं जो ऋषि उन्हें जवाब देते हैं, क्या? हितबुक। और क्या है? हितबुक एंड हितबुक। अब इसका क्या मतलब है पता है? हितबुक मीन्स जो हितकारी भोजन करता है, जो हितकारी भोजन, हितकारी भोजन जो हित में हमारे भलाई के लिए है, वैसे क्या होते हैं, बैलेंस्ड डाइट हम लोग बोलते हैं ना कि ईट ऑलवेज बैलेंस्ड डाइट, दैट इज जो प्रॉपर क्वांटिटी में खाता है हितकारी भोजन, वन हु ईट्स बैलेंस्ड डाइट, वन हु ईट्स अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतु के अनुसार, ऋतबुक, मितबुक, मित मतलब कम, तो वन हु ईट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अच्छा लग रहा है तो खाते गए, और ऐसा भी नहीं कि कम खाए तो कम ही खा लिए ताकि तबीयत भी खराब हो जाए। तो ये इस तरह से आपको ये तीनों इस तरह के भोजन अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी क्या, जैसे गर्मी है आप बहुत ज़्यादा काढ़ा वाढ़ा पी लोगे, अभी जैसे कि चला हुआ था इस पेंडेमिक सिचुएशन में कि सभी लोग काढ़ा पी रहे हैं, तो अत्यधिक पी लेने से भी लोगों को परेशानी होने लग गई। गर्मी, एक तो इतनी गर्मी अहमदाबाद की, ऊपर से खूब काढ़ा पीते जाओगे, काढ़ा में सारे गर्म गर्म चीज़ होते, तो सब बहुतों की तबीयत खराब हो गई। और फिर अगर ठंडी का मौसम है, आप खूब आइसक्रीम खा रहे हो, खूब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल ना। सो दैट्स वाई कि यू ईट ओनली द अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के मुताबिक ही हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एक पक्षी अस्ति, देयर इज अ बर्ड, सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति, ही गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, सह पुनः पुनः वदति, को रुक, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः मतलब अगेन एंड अगेन, स्पीक्स को रुक, हु इज हेल्दी, स्पीक बोल सकते हो या आस्क बोल सकते हो, वदति का मतलब
यहाँ पे हम लोग आस्क्स भी बोल सकते हैं कि आस्क्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। पक्षी द्वारम द्वारम अटती, द बर्ड वांडर्स डोर टू डोर। एकम एव प्रश्न पृच्छति, ही आस्क्स ओनली वन क्वेश्चन। जना उपहासम कुर्वती, ही ऑलवेज ही गोज देयर एंड आस्क कोरु, फिर वहाँ जाती है, फिर वहाँ पूछती है कोरु का, हर जगह जा जा करके यही पूछती है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है। तो सब लोग सुनते हैं, लो आ गई फिर वही पूछने कोरु कौन हेल्दी है, तो सब हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अभी उत्तरम ना ददाती, नोबडी आंसर हर क्वेश्चन, उनके आंसर क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देता है। पक्षी निराशा भवती, देन द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंट हो जाती है। सह वनम गच्छति, वृक्षे उपविशति च, सह वनम गच्छति, वन को जाती है। ही गोज टू द फॉरेस्ट एंड सिट ऑन द ट्री, वृक्षे उपविशति, ऑन वृक्ष के ऊपर, ही सिट्स ऑन द ट्री। वृक्षस्य अधः वैद्य ऋषि बाघभट्टः अस्ति, एंड देयर इज अ वैद्य ऋषि, देयर इज अ डॉक्टर, और वैद्य यू कैन, वैद्य ऋषि यू कैन ऑल्सो से कि देयर इज अ वैद्य ऋषि अंडर दैट ट्री, देयर इज अ वैद्य ऋषि नेम्ड बाघभट्टः एंड सी सेट अंडर द ट्री। पक्षी पुनः वदति, को रुक को रुक, जो पक्षी ऊपर बैठ गई वृक्ष के ऊपर जा कर के, और फिर नीचे वैद्य ऋषि जो है बैठे हुए थे, बाघभट्टः बैठे हुए थे, तो पक्षी पेड़ पे बैठ करके फिर से अपना चर्पिंग स्टार्ट कर दी, को रुक को रुक। देन व्हाट हैपेंड, इति बाघभट्टः श्रीणोति, द बर्ड अगेन स्पीक को रुक को रुक, चर्प यू कैन से वदति का कि कौन हेल्दी है। द बाघभट्टः श्रीणोति, बाघभट्टः हर बाघभट्टी हियर, बाघभट्ट हियर्स इट, वो सुनते हैं उनकी बात को। सह वदति एंड ही सेज, इतबुक मितबुक ऋतबुक इति, हितबुक मितबुक ऋतबुक, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। हित बुक मित बुक रित बुक, इसको कैसे लिखेंगे, हित बुक क में हलंत, रित बुक क में हलंत, मित बुक क में हलंत, क में हलंत डालना है। इसका मतलब है अर्थ अस्ति, अब यहाँ पे अर्थ भी दिया, यह हितकारी भोजनम करोति, यह हितकारी भोजनम करोति, वन हु ईट्स बैलेंस डाइट, वन हु टेक्स बैलेंस डाइट, जो हित में है हमारे अच्छाई के लिए है। वैसे क्या भोजन होते हैं, बैलेंस डाइट होते हैं ना, दैट इज। एंड यह मितम भोजनम करोति, हु टेक्स मित भोजनम, मित बुक, वन हु टेक्स एंड हु टेक्स अ प्रॉपर क्वांटिटी डाइट, जो प्रॉपर अपना डाइट लेते हैं, कितना खाना है कितना ही लेंगे, कम भी नहीं लेंगे ज़्यादा भी नहीं लेंगे, कितना खाना है मुझे प्रॉपर क्वांटिटी डाइट। एंड यह मितम भोजनम करोति इन प्रॉपर क्वांटिटी। एंड द लास्ट वन इज यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, ऋतु मतलब जो ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, वन हु टेक्स देयर मील अकॉर्डिंग टू सीजन। सह एव निरोगः भवति, वही निरोगी होते हैं जो इन तीनों चीज़ों का पालन करते हैं, वही निरोगी होते हैं। ही इज ओनली द हेल्दी, संतुष्ट पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति, देन सैटिस्फाइड बर्ड कम नियर दैट ऋषि। सह ऋषिम नमति, ही बोज टू द ऋषि, अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, देन आफ्टर ही रन अवे टू हर ओन प्लेस, वो अपने स्थान चली जाती है। स्वस्थानम मतलब हर ओन प्लेस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आई थिंक कि इसमें कोई भी हार्ड इतना नहीं है कि आप नहीं समझो।
ऐसे लिखवाने की बात होगी तो मैं लिखवा दूंगी, इसका नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देती हूँ। अभी आप लोग वंस मोर, ये आपने लिख लिया तो लिख लीजिए, फिर वंस मोर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। कह निरोगा भवति, बिकम हियर द डिजीज फ्री, कौन बीमारी से अछूता है, किसको बीमारी नहीं है, कौन निरोगा भवति, तो हु बिकम द डिजीज फ्री।
प्रश्न हंसते हैं। कोई अगर मित्र की बातें करता है या एक ही बात बार बार करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, आप हंसने लगते हो कि लो फिर से आ गया पूछने, फिर से आ गया। वो अभी उत्तरम ना जगाती। हम लोग इस वीडियो में इतना ही दो रखते हैं, फिर इसके आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आगे इसके जो मीनिंग लिखवाने हैं आपको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।